हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विंडोज़ 10 की ऐसी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज़ करके आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को या लैपटॉप को पहले के मुकाबले और भी अच्छे तरीके से स्मार्टली ऑपरेट कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको जो भी ट्रिक्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे नीचे कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि टास्क बार में से आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली कैसे लॉन्च कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे पिन करके रखी है। आपके केस में अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर, फाइल एक्सप्लोर, एमएस वर्ड, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। आपके केस में जो भी पहले नंबर की एप्लीकेशन होगी उसको आपको विन प्लस वन कर देना है, वो लॉन्च हो जाएगी। तो मेरे केस में इंटरनेट एक्सप्लोर था तो इंटरनेट एक्सप्लोर रन हो गया। अगर मैं विन प्लस टू करूँगा तो देखिए फाइल एक्सप्लोर रन हो जाएगा, क्योंकि मेरे केस में दो नंबर पर फाइल एक्सप्लोर है। जैसे मैं विन प्लस थ्री करता हूँ तो देखिए एमएस वर्ड ओपन हो गया। अगर मेरे को टर्मिनल ओपन करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ विन प्लस फाइव, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे विन प्लस सेवन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप टास्क बार में से किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड ट्रिक की साइड चलते हैं, देखते हैं कि क्लिपबोर्ड का कैसे यूज़ करना है हमें विंडोज़ 10 के अंदर। अब मान लीजिए आप एमएस वर्ड में या अपने ऑफिस में जो है काम कर रहे हैं और आपको कहीं से जो है डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। तब ऐसे में आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ऐसे में टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। आप सिंपली जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से सेंटेंस को पूरे के पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, मैंने इसको भी कॉपी कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक भी कॉपी कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स होगा क्या, यहाँ से मैं जो कॉपी कर रहा हूँ इससे जो है टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा मेरा यहाँ पे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से भी यहाँ तक जो है कॉपी कर लिया। अब मुझे इसे जो है यहाँ पे वर्ड के अंदर जो है पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी की जगह यूज़ करूँगा विन प्लस वी। तो देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड जो है ओपन हो गया है। अब यहाँ से जो है मैंने इस वाले सेंटेंस को जो है पैरा को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे आ गया है। अब ऐसे ही अगर आपको सेकंड वाला करना है तो दोबारा से विन प्लस वी करूँगा तो देखिए सेकंड वाला भी आ गया। और ऐसे ही अगर मेरे को थर्ड वाला करना होगा तो मैं थर्ड वाला इस तरीके से पेस्ट कर लूँगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इस शॉर्टकट को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई स्माइली वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्माइली इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विन के साथ आप डॉट दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा स्माइली टूल बार जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन खाली एमएस वर्ड में ही नहीं, आप विंडोज़ में कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे नोट पैड में ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो और यहाँ पे विन के साथ डॉट दबाया तो देखिए यहाँ पे भी मैं स्माइलीज का यूज़ कर सकता हूँ। इसे आप इंटरनेट एक्सप्लोर पूरे कंप्यूटर में कहीं पे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको डायरेक्टली किसी को कोई मैसेज भेजना है तो इन स्माइली का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड ट्रिक को जानते हैं कि देखते हैं कि मल्टीपल डेस्कटॉप में आपको विंडोज़ 10 के अंदर कैसे स्विच करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक वर्डपैड खोला हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ डेस्कटॉप वन। अब अगर मेरे को सेकंड डेस्कटॉप क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं टास्क व्यू पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा न्यू डेस्कटॉप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए अब सेकंड डेस्कटॉप आपके पास आ जाएगा एकदम क्लीन। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे नोट पैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डेस्कटॉप DESTOP, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। अगर मेरे को अब पहले नंबर पे स्विच करना है तो मैं कंट्रोल प्लस विन और एरो का लेफ्ट वाला की प्रेस करूँगा तो देखिए मैं फर्स्ट डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ऐसे अगर मेरे को सेकंड पे स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस विन और राइट एरो की जो है प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे मैं थर्ड डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं सेम क्या करता हूँ नोटपैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेस्कटॉप 3। अगर मेरे को सेकंड वाले पे स्विच करना है तो कंट्रोल विन लेफ्ट, फिर फर्स्ट वाले पे जाना है तो फिर दोबारा से लेफ्ट। अगर आपको दोबारा से राइट में स्विच होना है तो कंट्रोल प्लस विन और राइट वाला एरो की जो है प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। तो चलिए फोर्थ ट्रिक के पास चलते हैं, देखते हैं कि मल्टीपल टास्किंग हम कैसे कर सकते हैं विंडोज़ ऐप के अंदर। एक दूसरे ऐप में अगर आपको किसी भी ऐप को स्नैप करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वीएलसी मीडिया प्लेयर हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अगर मैं विन प्लस अप वाला एरो की दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक स्नैप हो गया। लेफ्ट वाला करूँगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में करूँगा राइट में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने विंडोज़ को जो भी आपने खोला हुआ है करंट में उस एप्लीकेशन को स्नैप कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन जो है चलाना चाहता हूँ या कोई ट्यूटोरियल देख के काम कर रहा हूँ तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली यहाँ पे उस एडिटर का यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक थर्ड एप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे तीसरी एप्लीकेशन कोई ओपन करना चाहता हूँ तो चलिए यहाँ पे मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे कंसोल ओपन हो गया। तो यहाँ पे ना किसी भी एप्लीकेशन को आपको रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बस आपको विंडोज़ का जो स्टार्ट की है वो दबा के और एरो कीज का इस्तेमाल करना है और आप अपनी एप्लीकेशंस को डायरेक्टली जो है स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग आप बीच में कर सकते हैं।
काफ़ी अच्छा फीचर है, इसका जो है आप अपने रेगुलर यूज़ में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स पांचवी ट्रिक के साइड, देखेंगे कि कैसे आप स्क्रीनशॉट जो है कैसे ले सकते हैं अपने विंडोज 10 के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक तरीका है कि आप जो है अपनी स्क्रीन को स्निप कर लीजिए विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस को दबा के, ठीक है। तो ये शॉर्टकट क्या करेगा, आपके सामने ऊपर टूल बार आ जाएगा, आपको बस अपना स्क्रीन एरिया को सिलेक्ट करना है और उतना एरिया जो है ये स्निप कर लेगा, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि फालतू कोई सी झंझट में आप ना पड़े और डायरेक्टली आप स्निप करें तो वो भी ऑप्शन है आपके पास विंडोज़ के अंदर। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को एक बार प्रेस कर देना है, ठीक है। उस बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पेंट को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे ही पेंट को ओपन किया तो अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा तो जो स्क्रीनशॉट उस टाइम मैंने लिया था वो यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो भी काम करना है, जो भी चेंजेस करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक का जो है आप रेगुलर यूज़ जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर, तो मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।